हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कल के दिन मीन्स 23 सितंबर को अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहेगा। कल जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर ये 2488 को ब्रेक करेगा तो हमारा 2481 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 2467 तक का देखने को मिलेगा। यहाँ पे लगभग लगभग 2472 तक आया है, उसके बाद नीचे की ओर ये चला गया है। ठीक है, जैसा कि आज एक्सपायरी डे था, तो एक्सपायरी डे में जनरली होता क्या है, ठीक है, मार्केट कहीं पे ओपन होता है, फिर ऊपर या नीचे जाता है और कहीं बीच में आके क्लोजिंग दे देता है। तो अगर ये मान लेते हैं 100% एक्सपायरी डे है, ठीक है, तो यहाँ से 70% इस तरीके का मोमेंटम होता है, 10% 30% यहाँ पे बोला मतलब डायरेक्शनल मोमेंटम हो जाता है। तो यहाँ पे आज वैसा ही दिन था, ठीक है, जहाँ से क्लोजिंग हुई थी, ओपनिंग हुई थी, उसी के आसपास कहीं पे हम लोगों को एक्सपायरी देखने को मिला है। अभी चार्ट जूम आउट करेंगे और यहाँ पे आप कुछ चीज़ नोट करिएगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, पहले ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से था और इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बना था जिसका ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद ये वाला जो लेवल था, ठीक है, 2500 का इम्पोर्टेंट लेवल था। मैंने आपको बार बार यही बोला था, अगर 2500 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो जब ये ऊपर आएगा तो इसके लिए जो मेन हर्डल होगा वो 2500 होगा। 2500 के आसपास देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है। ये अभी ऊपर से हमारे पास ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको हम लोग ड्रॉ करके रखेंगे, और जब तक ये अब इसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक आपको कोई भी मतलब मैं यहाँ पे कोई भी ऊपर की ओर पोजीशन नहीं बनाऊंगा, और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती मुझे कोई यहाँ पे ऊपर का बुलिश मोमेंटम भी नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन अच्छे क्वांटिटी में अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, अच्छे पैटर्न के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है, तो आने वाले समय में हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अभी ये साइडवेज जा रहा है। थोड़ा सा और चार्ट जूम आउट करूँगा, और 2-3 दिन पहले जो हमने यहाँ पे बात किया था कि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है तो अभी यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, अपने आप को रोक सकता है। तो 3 दिन 2 दिन रुकने के बाद देखेंगे। आज यहाँ पे फिर से इसने ये जो 2500 वाला लेवल था उसको ब्रेक करके कहीं उसके नीचे ही आसपास में मतलब जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट है उसके आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो लगातार हम लोगों को यहाँ पे लोअर लो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेशन दिख रहा होगा, ठीक है। अगर अब नीचे ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रह गया दोस्तों, ये जो ऊपर नीचे वाली हमारे पास जो ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, जस्ट पास में है। तो 2460, ठीक है, 2460-70 का ये जो लेवल है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि हर बार यहाँ से इसने सपोर्ट तो लिया है, तो इस बार देखते हैं ये किस तरीके से इस लेवल को प्ले करता है। अगर यहाँ पे इन लेवल के आसपास 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग कोई भी यहाँ पे बुलिश पैटर्न मिलता है तो एक छोटा सा आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना चाहिए यहाँ पे रिस्क, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा पोजीशन है जहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो काफ़ी नीचे जाएगा, लगभग लगभग 2360 तो आएगा ही, इसके नीचे भी जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है अभी हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, ठीक है, बहुत बार इस लेवल पे इस सपोर्ट पे ये सपोर्ट ले चुका है इस ट्रेंड लाइन पे, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होने की भी प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी है लेकिन बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि ये चैनल में है तो हो सकता है यहाँ से ऊपर क्यों निकलेगा, तो जब ये नैरो हो जाएगा तो इसको कहीं ना कहीं तो निकलना है, तो ऊपर निकलेगा तो हम लोग ऊपर की ओर टारगेट का प्लानिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल नीचे है तो हम लोग यहाँ पे नीचे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। समझ में आया आपको, यहाँ पर तो इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है आने वाले समय में। अभी यहाँ पे जिस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, ये अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ब्रेक कर देता तो इन लेवल से सपोर्ट मिले रेजिस्टेंस मिलेगा, हुआ सेम, फिर से इन लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया तो फिर से इस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है। अभी अगर ये नीचे आके 2467 इन लेवल को टच करके ऊपर की ओर जाता है तो ये एक तरीके का रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा, इसका स्टॉप लॉस लगा के हम लोग कुछ क्वांटिटियाँ बाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसी फ्लो में ऊपर की ओर गया और इसको ब्रेक कर देगा तो एटलीस्ट हमारे पास पहले से कुछ क्वांटिटी होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे प्राइस देखेंगे किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न है, क्योंकि इस बार अगर ये ऊपर आता है तो इसको ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला भी ट्रेंड लाइन बहुत बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे क्या सिचुएशन बना है उसे यहाँ पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि हमने ट्रेंड लाइन की पहले बात कर लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखेंगे तो कितनी बार टेस्टेड है ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से थोड़ा दूर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, यहाँ पे 2-3 बार हो रखा है और इस बार फिर से यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका, राइट।
तो यहाँ पे तो बस थोड़ा सा ये जस्ट नीचे है, जब भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा तो ये नीचे की ओर यहाँ से जा सकता है। ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है ये भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है आपको, ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर देता है तो ऊपर की ओर प्ले करेंगे, नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है तो नीचे की ओर प्ले करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो हमारा एसएल पास में ही होगा। तो ये अगर हम लोग को रिस्क लेके अगर हम लोग को इतना टारगेट मिल रहा है तो लगाना चाहिए, और अगर इतना रिस्क लेके हम लोग को नीचे इतना टारगेट मिल रहा है तो भी लगाना चाहिए, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे ये 2250 तक आएगा, अगर अच्छा करेक्शन आता है तो इसके अंदर इतना आ सकता है, राइट। तो ये सिचुएशन बन सकती है। आज का जो कैंडल है अगर देखेंगे तो जैसा कि आज का कैंडल जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वहीं के आसपास क्लोजिंग मिला है, लेकिन इस सभी दरमियान ये जो कल का पहले का लो था ये ब्रेक डाउन हो गया, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। तो अगर यहाँ पे ठीक है, अगर कल का ये लो ब्रेक करता है तो ये नीचे आ सकता है, और कितना नीचे आएगा तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन जो होना चाहिए 2450 के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। 2450 इन लेवल के आसपास अगर ये ऊपर की आने के बाद ऊपर की ओर निकलता है तो फिर ये यहाँ से इस तरीके से ऊपर निकल सकता है। और ऊपर जाने की बात करेंगे तो आज का कैंडल का अगर हाई कल के दिन ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ये जो कैंडल है कल वाला, ठीक है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, और नीचे की ओर देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2450-40 तक का स्पेस है इसके पास। तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से चलते हैं और अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट देख लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से कल के दिन अगर हमको यहाँ पे ये फिर से अगर 2481 का लेवल ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग जो नीचे की ओर पहला टारगेट देखेंगे वो देख सकते हैं 2471 का, ठीक है। एंड जो हम लोग नीचे की ओर सेकेंड टारगेट देख सकते हैं, हम लोग जो नीचे की ओर यहाँ पे सेकेंड टारगेट देख सकते हैं वो हम लोग 2465 का देख सकते हैं, ठीक है, 2465 का। वैसे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, कल के दिन हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम कल के दिन फिर से ना मिले हम लोगों को, देखेंगे कल के दिन, लेकिन बहुत बड़ी मोमेंटम ना मिले ऐसा पॉसिबिलिटी है। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर ये 2504 को ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर की ओर एक यहाँ पे लेवल लेके चलेंगे, और ये हमारे लिए का ऊपर की ओर के लिए जो लेवल रहेगा वो 2513-15 के आसपास रहेगा, ठीक है, 2513-15 के आसपास। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं तो कोई अगर यहाँ पे कमी नज़र आ रही है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसकी पहले एनालिसिस अपनी ज़रूर कर लें। थैंक यू।